नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आइए जानते हैं इस मीडियम के माध्यम से कुछ नया। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। यस, बिल्कुल नया। वो क्या है? हाउ टू डिस्क्राइब अ पर्सन इन वर्ड्स। इस वीडियो में आप मेरे साथ जानोगे कि एक पर्सन को हम कुछ वर्ड्स में, शब्दों में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि उसकी पर्सनैलिटी को, स्टाइल को, नेशनैलिटी को, फिजिकल अपेयरेंस को, हेयर्स को, एज को, शेप्स एंड करेक्टर ट्रेट्स। इस हिसाब से मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी जो आप इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। नंबर वन पर हम बात करेंगे कि अगर आपको किसी इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बात करनी है, कुछ वर्ड्स ऐसे मैं आपको बताऊंगी जो आप उसकी पर्सनैलिटी के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि काम, एरोगेंट, हम्बल, एसेंट्रिक, चारिस्मेटिक, ब्रेव, सेल्फिश, स्वीट, केयरफुल, क्लीन, फनी, फ्लेक्सिबल, पोलाइट, फ्रेंडली एंड कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी इंसान के स्टाइल के बारे में बताना है तो उसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है फ्लैम्बॉयंट, चिक, इलेक्टिक, मॉडेस्ट, ट्रेंडी, कैजुअल, रोमांटिक, फॉर्मल, क्लासी, प्रेपी, इमो, गोथ, पंक, बोहोचिक एंड हिपस्टर। आप स्टाइल के लिए ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कि उसका स्टाइल कैसा है, क्लासी है, प्रेपी है, गोथ है, कैजुअल है, ट्रेंडी है, मॉडेस्ट है। जो भी आपको, जैसा भी सामने वाले का स्टाइल लगता है, आप उसके लिए ये सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी की नेशनैलिटी और उसके एथनिक बैकग्राउंड के बारे में बताना है तो आप कौन से वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं? लेट्स सी। हंगेरियन, एथोपियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, मैक्सिकन, इरिश, अफ्रीकन, मैक्सिकन, रशियन, जर्मन, तुर्किश, इटालियन, स्कॉटिश, हिस्पैनिक। इन शब्दों का यूज़ आप नेशनैलिटी बताने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फिजिकल अपेयरेंस से जुड़े हुए कुछ शब्दों के बारे में, जैसे कि आप फिजिकल अपेयरेंस, अगर किसी इंसान की फिजिकल अपेयरेंस के बारे में आपको बताना है तो आप इन शब्दों को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल, हैंडसम, प्रीटी, एलिगेंट, क्यूट, गुड लुकिंग, प्रेजेंटेबल, अगली, गॉर्जियस, रफ, हॉट, यंगिश, कर्वी, ऑर्डिनरी। ये सब वर्ड्स आप फिजिकल अपेयरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेयर्स। अगर आपको किसी आदमी या औरत के हेयर्स के बारे में बताना है तो आप उनके लिए ये सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेट, कर्ली, क्रॉप्ड, ब्लैक, ब्लॉन्ड, ब्राउन, फेयर, ब्रोनेट, लॉन्ग, शॉर्ट, बोल्ड, वेवी, ग्रे, रेड और कलर्ड, जैसे भी उनके बालों का कलर होगा। ये सब वर्ड्स जो हैं वो आप किसी भी पर्सन के हेयर्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एज। अगर आपको किसी पर्सन की एज को डिस्क्राइब करना है तो आप उसको कुछ वर्ड्स यूज़ करके ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो। वो वर्ड्स हैं 47, मिडल एज्ड, यंग, ओल्ड एंड टीनेजर। आप इन वर्ड्स का यूज़ करके किसी भी पर्सन की एज को डिस्क्राइब कर सकते हो, वो भी बहुत इजी वे में और वन वर्ड में। नेक्स्ट है शेप्स। अगर आपको किसी पर्सन की फिजिकल शेप को डिस्क्राइब करना है तो आप कैसे कर सकते हो? लेट्स सी। कर्वेशियस, चिजल्ड, रोटंड, प्लम, स्लिम, स्लाइट, फैट, वेल बिल्ट, थिन, स्किनी, चबी, लार्ज, ओवरवेट एंड स्लेंडर। आप इन वर्ड्स को यूज़ करके किसी भी पर्सन की शेप्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट है करेक्टर ट्रेट्स। अगर आपको किसी पर्सन के करेक्टर के बारे में बताना है तो आप उसके लिए ये सारे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि क्लेवर,
generous, mysterious, creative, flexible, hardworking, helpful, mature, righteous, harmonious, respectful, open-minded, encouraging and persistent. अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो.